What's up everyone, welcome back to the channel. आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पॉर्टेंट, कई बार थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी क्रिएट करता है, एक ऐसा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो आपको 11th में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बट ट्रस्ट मी दिस इज द ईजिएस्ट. आज हम शुरू करने जा रहे हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, BRS, जिसकी फुल फॉर्म होती है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट. ये हम पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से, बहुत इजी, बहुत इंटरेस्टिंग वे में तुम्हें इसको परफेक्शन कैसे लानी है सिखाता हूँ. आइए जल्दी से लेट्स बिगिन. तो सबसे पहले ये समझते हैं कि BRS का मतलब क्या होता है. बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, हमें बेसिकली रिकॉन्सिलिएशन करना है, यानी हमें रिकनसाइल करना है. सर रिकनसाइल का क्या मतलब होता है? रिकनसाइल का मतलब होता है बेटा जी मैच करना है. सर किसको मैच करना है? हमें मैच करना है कि जो मेरे हिसाब से मेरे बैंक में बैलेंस है, क्या वो बैंक के हिसाब से भी है? देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने बैंक में पैसा जमा करा, फॉर एग्जाम्पल मैंने बैंक में पैसा डिपॉजिट करा 1000 रुपये, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने पास कैशबुक में प्लस करूंगा 1000. मैं कैशबुक में रिकॉर्ड करूंगा बैंक कॉलम में. कैशबुक में कौन से कॉलम में? बैंक कॉलम में. इस चैप्टर का कैश कॉलम से कोई भी लेना देना नहीं है, हम बैंक की बात कर रहे हैं. तो बैंक कॉलम में अपने पास मैं प्लस करूंगा 1000 रुपये कैशबुक में, ठीक है? ये तो मैं करूंगा. सिमिलरली बैंक भी अपने पास ये 1000 रुपये प्लस करेगा कि मेरे अकाउंट में 1000 आ गए हैं. बैंक भी प्लस करेगा 1000, लेकिन बैंक कहां पे रिकॉर्ड करता है? पासबुक में. सर पासबुक क्या होती है? पासबुक एक बुक है जो आप बैंक से जाके ले सकते हो. आपको एक बैंक जब भी आप अकाउंट खुलाते हो तो बुकलेट देता है, वो आप जाके प्रिंट कराते हो मशीन से बैंक में, तो उसको बोलते हैं पासबुक. पासबुक क्या है? पासबुक एक रिकॉर्ड है मेरे अकाउंट के बैलेंस का जो बैंक रख रहा है, और मेरे अकाउंट के बैलेंस का रिकॉर्ड जो मैं रख रहा हूँ वो कैशबुक है. तो अगर मैं 1000 जमा करा रहा हूँ तो इधर भी 1000 दिखने चाहिए, इधर भी 1000 दिखने चाहिए. अगर मैं 50 निकाल रहा हूँ तो यहाँ से भी 50 माइनस होने चाहिए, यहाँ से भी 50 माइनस होने चाहिए. कई बार ये दोनों मैच नहीं कर रहे होते ड्यू टू सम रीजंस मैं आपको भी सिखाऊंगा. तो ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं, अगर ये मैच नहीं करेगी तो या तो मैंने कुछ गलती करी है इसमें, या फिर बैंक ने कुछ गलती करी है इसमें. तो हमें बेसिकली इन दोनों को मैच करना है. इनको मैच करने के लिए, रिकनसाइल करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाया जाता है उसको बोलते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है? अब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का पर्पस क्या है? दिस इज प्रिपेयर्ड टू मैच और टू रिकनसाइल. क्या रिकनसाइल करना है? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड द बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है? तो बेसिकली ये स्टेटमेंट बनाई जाती है दो बैलेंसेस को रिकनसाइल करने के लिए, एक तो बैलेंस एज पर कैश बुक और एक बैलेंस एज पर पासबुक. ओके, अब इसका एक रूल लिखो. बेसिकली ये तो पहला हो गया. दूसरा पॉइंट, अगर हम कैशबुक की बात करें तो कैशबुक में बेटा जी डेबिट साइड प्लस साइड होती है, क्रेडिट साइड माइनस साइड होती है, ये याद रखना. कैशबुक में डेबिट प्लस होता है, क्रेडिट माइनस होता है, और पासबुक में डेबिट माइनस होता है और क्रेडिट प्लस होता है. इसका मतलब अगर बैंक ने मुझे क्रेडिट करा तो बैंक ने मुझे प्लस करा, मैं अपने पास डेबिट करूंगा, ठीक है? ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. आपका डेबिट प्लस होता है, बैंक का क्रेडिट प्लस होता है. आपका क्रेडिट माइनस होता है, बैंक का डेबिट माइनस होता है, सही? इसके बाद नंबर 3, फॉर्मेट ऑफ BRS. BRS का क्या फॉर्मेट है सर? इसका फॉर्मेट में कुछ है ही नहीं. सबसे इजी चैप्टर है ये, प्लस माइनस पर्टिकुलर्स. शुरुआत कहाँ से करोगे आप? अपना बैलेंस से देखना शुरू करोगे, है ना? तो मैं शुरुआत करूंगा बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर
कैश बुक बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरू करूंगा। अब अगर कैश बुक का बैलेंस डेबिट हुआ तो प्लस में लिख दूंगा, क्रेडिट हुआ तो माइनस में लिख दूंगा। ये क्वेश्चन बताएगा, ठीक है, कि बैलेंस एज पर कैश बुक प्लस है या माइनस है, इन दोनों में से कोई भी एक होगा, या ये होगा या ये होगा, ठीक है। फिर इसमें कुछ चीज़ें ऐड होती हैं, फिलहाल लिख लो फिर मैं समझा दूंगा। सर क्या ऐड होगा? नंबर वन, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये प्लस होगा। और दूसरा, एनी इंक्रीज इन बैंक, बैंक में किसी भी तरीके का पैसा आया तो प्लस होगा। इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड प्लस होगा, और किसी भी तरीके का पैसा आया तो प्लस होगा। माइनस क्या होगा? चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, ये माइनस होगा। और दूसरा, एनी डिक्रीज इन बैंक, कोई भी बैंक का डिक्रीज भी इधर ही आए, ठीक है जी। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होगी? बैलेंस एज पर कैश बुक से। फिर दो चीज़ें प्लस होंगी, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड याद रखना, और कोई भी इंक्रीज इन बैंक। डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड माइनस होगा, और कोई भी डिक्रीज इन बैंक माइनस होगा। अब आपके पास आप लास्ट में बैलेंस निकाल लोगे, वो बैलेंस क्या आ जाएगा? बैलेंस एज पर पासबुक। यहाँ पे जो बैलेंस आएगा उसको क्या बोलेंगे? बैलेंस एज पर पासबुक। ये बैलेंस भी इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है, फिर आप टोटल कर दो, जस्ट डू टोटल। ये बैलेंस भी कहीं पर भी आ सकता है, फॉर्मेट नोट डाउन कर लो। एग्जाम्पल से देखना कि शुरुआत करते हैं। चलो सबसे पहला एग्जाम्पल वन, एग्जाम्पल वन में लिखा है बैलेंस डेबिट एज पर कैश बुक 10,000, चेक ऑफ रुपीज 1,000 डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड, चेक ऑफ रुपीज 2,000 इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बैंक डेबिटेड रुपीज 50 फॉर बैंक चार्जेस, अ कस्टमर डिपॉजिटेड 2,000 इनटू आवर बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 500। देखो ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो चाहे नोट डाउन कर लो। मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले फॉर्मेट बनाऊँगा, सॉल्यूशन प्लस और माइनस। क्वेश्चन में लिखा है बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है जी। अब बैलेंस कौन सा दिया है सर क्वेश्चन में? तो यहाँ पे देखो जैसे मैंशन है डेबिट बैलेंस, अगर मैंशन ना हो, कुछ भी मैंशन ना हो, तो आप प्लस में लिखोगे उसको, ठीक है। यहाँ मैंशन है बैलेंस डेबिट वाला है, तो सर डेबिट वाला कैश बुक का कौन सा होता है? प्लस। 10,000 रुपये का बैलेंस दिया हुआ है, मैंने प्लस में लिख दिया 10,000, ठीक हो गया। उसके बाद आगे लिखा है चेक ऑफ रुपीज 1,000 डिपॉजिटेड। अब इसको समझना भी है पहले हमें, फिर मैं आपको इसका मतलब भी बता रहा हूँ साथ साथ। देखो आप मान लो कि ये कैश बुक है और ये पासबुक है, आपको पता दोनों एक ही है, बस ये आप खुद बना रहे हो और ये बैंक बना रहा है,
बात एक ही है, दोनों मैच होने चाहिए, ठीक है। अब सपोज कर लो कि इनका बैलेंस जो है वो 5,000 है, मतलब आपके बैंक में 5,000 रुपये पड़े हुए हैं, दोनों बुक्स वही रिफ्लेक्ट कर रही हैं। अब ध्यान से समझो, चेक ऑफ ₹1,000 डिपॉजिटेड, आपने 1,000 रुपये का चेक जमा करा। बेटा आपने जैसे ही चेक जमा करा तो आपने अपना बैलेंस बढ़ा दिया होगा कि और मजा आ गया, मैंने चेक जमा कर दिया तो मैंने यहाँ पे बैलेंस बढ़ा दिया, 1,000 रुपये बढ़ा दिया। मेरे हिसाब से मेरे बैंक में कितने पैसे हो गए, 6,000, लेकिन बैंक के हिसाब से अभी 5,000 ही है। अब आगे हुआ क्या, मैंने जमा कर दिया, आगे आ गया नॉट येट कलेक्टेड, अभी तक ये कलेक्ट ही नहीं हुआ यार पैसा, अभी तक बैंक ने क्लियर ही नहीं करा। मैंने जमा तो कर दिया लेकिन बैंक ने जिसके अकाउंट में से पैसा काटना था अभी तक नहीं काटा, तो यानी कि मैंने अपने पास प्लस तो कर दिया लेकिन एक्चुअल में तो हुआ ही नहीं, तो मैंने एक्स्ट्रा प्लस कर दिया या नहीं कर दिया। जब बैंक क्लियर करेगा तभी तो मेरे अकाउंट में पैसा आएगा, मैंने पहले ही प्लस कर दिया, तो ठीक करने के लिए क्या करूं, इन दोनों को मैच करने के लिए क्या करूं, क्या मैं यहां से 1,000 माइनस कर दूं? अगर मैं यहां से 1,000 फिलहाल माइनस कर दूंगा तो ये भी 5,000, ये भी 5,000 मैच कर जाएगा या नहीं कर जाएगा, हो गया या नहीं हो गया। तो डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड का मतलब क्या है कि आपने चेक जमा कर दिया और आपके अकाउंट में पैसा आया ही नहीं, तो भाई क्यों जमा करा है, हटाओ ना उसको, माइनस करो। तो हम क्या करते हैं, 1,000 रुपये डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड मैं यहाँ पे माइनस करूंगा, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखूंगा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड या कलेक्टेड या क्लियर्ड कुछ भी आ सकता है, सही है जी। और मैंने आपको फॉर्मेट में भी चेक करो डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड माइनस में लिखवाया। नेक्स्ट क्या है, अगला क्या है सर, अगला है चेक ऑफ ₹2,000 इशूड। इशूड का मतलब क्या होता है, पेमेंट करना, इशूड का मतलब क्या होता है, पेमेंट करना। फिर से एज्यूम करो, यही ले लो फिगर्स कि मेरे अकाउंट में 5,000 रुपये हैं। अब हमने 2,000 का चेक किसी को इशू करा है, सर अगर 2,000 का चेक इशू करा तो हम क्या करें, अपने पास से 2,000 का चेक इशू करा तो क्या हम माइनस कर दें, भाई किसी को पेमेंट करा तो माइनस कर दिया होगा। मेरे हिसाब से मेरे खाते में 3,000 है, बैंक के हिसाब से 5,000 है, ठीक है जी, पेमेंट कर दिया था हमने। अब हुआ क्या जी, इशू कर दिया बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इसका पेमेंट हुआ ही नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं हुआ। जिसको चेक दिया था वो चेक लेके घर में बैठ गया, भाई वो बैंक में चेक लेके जाएगा तभी तो उसके अकाउंट में पैसा आएगा, उसे मैंने चेक दिया उसने अपने पास रख लिया कि अभी मुझे ज़रूरत ही नहीं है, जब ज़रूरत होगी मैं लगा लूँगा। तो हमारे पास से तो पेमेंट हो गया लेकिन मेरे खाते से थोड़ी ना पैसा कटा, जब वो चेक लगाएगा तभी तो पैसा कटेगा, तो डिफरेंस आ जाएगा। तो हमने ये जो माइनस करा था अभी कटा तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे वापस से प्लस कर देंगे, तो ये भी 5,000 हो जाएगा, ये भी 5,000 हो जाएगा। इसीलिए क्या करा जाता है, इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड हमेशा प्लस होता है, इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड हमेशा प्लस होगा 2,000 रुपये, ठीक है जी, ये भी हो गया। चलो बैंक ने हमें डेबिट कर दिया 50 रुपये से फॉर बैंक चार्जेस, बैंक ने हमें डेबिट कर दिया, बैंक चार्जेस ले लिए हमारे से, बैंक ने हमें डेबिट कर दिया, क्या मतलब है सर, देखो जरा पासबुक में डेबिट क्या होता है, पासबुक में डेबिट होता है माइनस, बैंक ने हमारे से पैसा काट लिया कुछ चार्जेस लिए, तो भाई पासबुक में कम हो गया तो मुझे अपने पास भी कम करना चाहिए ना, तभी तो मैच होगा, है ना। तो 50 रुपीज़ के बैंक चार्जेस, लाइक एज्यूम कर लो सपोज कैशबुक और पासबुक, अब मान लो 500 रुपये का बैलेंस, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ बेटा, बैंक ने 50 रुपये काट लिए तो बैंक के हिसाब से 450, मेरे हिसाब से 500 ही है। तो भाई साहब जो बैंक ने पैसा काटा है मुझे भी तो कम करना है अपने पास, तो मैं भी क्या करूँगा अपने पास से माइनस करूँगा 50। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे 50 रुपीज़ किस नाम से, बैंक चार्जेस के नाम से, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, नेक्स्ट अ कस्टमर डिपॉजिटेड 2,000 इनटू आवर बैंक, एक कस्टमर ने जमा कर दिए 2,000 मेरे बैंक में, कस्टमर डिपॉजिटेड 2,000 इनटू माय बैंक, मेरे बैंक में 2,000 जमा कर दिए तो बैंक ने मेरा बैलेंस बढ़ा दिया होगा तो मुझे भी बढ़ाना चाहिए, इंक्रीज इन बैंक बैलेंस, है ना। जब कस्टमर ने जमा कर दिए बैंक बैलेंस बढ़ गया, मैं भी प्लस कर दूंगा 2,000 रुपये डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। प्लीज मेरी हैंड राइटिंग से बचना थोड़ा सा, मैं जल्दी जल्दी में लिख रहा हूँ बट मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, डिपॉजिटेड बाय कस्टमर 2,000 रुपये प्लस कर दिए,
चलो सर। उसके बाद इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने हमें क्रेडिट करा, चलो अपनी कॉपी में चेक करो, बैंक अगर क्रेडिट कर रहा है मतलब प्लस कर रहा है, बैंक ने 500 का इंटरेस्ट दिया तो हम भी प्लस करेंगे, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, ठीक हो गया। अब क्या करना है सर, अब आपको बस बैलेंस निकालना है बच्चों। बैलेंस देखो डेबिट साइड में 10, 2, 12, 2, 14 और 14, 500, टोटल कितना आ रहा है 14,500, इधर भी 14,500, आपके पास 14,500 में से 1,050 हटा दो, 14,500 माइनस 1,050, 13,450 का बैलेंस आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 13,450। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बैलेंस एज पर पासबुक। अब बच्चों एक बात याद रखना, 13,450 ये जो बैलेंस आया है ये पॉजिटिव का बैलेंस है, भले ही ये माइनस में लिखा हुआ है लेकिन माइनस में इसलिए लिखा है ताकि दोनों साइड मैच हो सके। जैसे सपोज मेरे पास 10 रुपये प्लस में है, 2 रुपये माइनस में है, तो 2 माइनस होने के बाद 8 बचेंगे ना, 8 प्लस के बचते हैं, वो हम इधर इसलिए लिखते हैं ताकि ये दोनों तरफ 10 लिख सकें। तो बैलेंस भले ही इस तरफ आ रहा है लेकिन ये है प्लस का बैलेंस। पासबुक का प्लस क्या होता है, पासबुक का प्लस होता है क्रेडिट, ये तो कॉन्सेप्ट है। और अगर इनकेस फिर भी भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस निकाल के जिस तरफ ज़्यादा अमाउंट है ना उस तरफ का साइन लगाना, बैलेंस निकाला ज़्यादा तो प्लस में था ना, तो यहाँ पे प्लस का लगाना, पासबुक का प्लस क्या होता है क्रेडिट, ठीक है। दिस इज हाउ क्वेश्चन होता है BRS का। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 क्लासेस लगेंगी, आज मैंने आपको बेसिक्स कराए हैं, इस वीडियो को 2 बार देखना ताकि चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। और किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं अगली क्लास में वो कन्फ्यूजन क्लियर करूंगा, तभी मज़ा आए पढ़ने में, कन्फ्यूजन क्लियर ना हो तो क्या मज़ा। तो ये अच्छे से कर लो, इंपॉर्टेंट है, टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पक्का आ रहा होगा। कल तुम लोग को अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा BRS के, और चैप्टर को स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ लेके चलने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आप लोग को चीज़ें क्लियर हुई होंगी, कोई प्रॉब्लम आए तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, मिलते हैं बहुत जल्दी, टिल देन कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग, सी यू, बाय बाय।